दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल पे लेस लोन विद अस्पताल। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पार्ट फोर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट थ्री आपने देखा होगा और पार्ट टू, पार्ट वन अगर नहीं देखा है तो जाके पहले यार वो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तार की हैं और इस मतलब इस पार्ट को देख लेंगे ना उसको आप उस पार्ट को आपको देखना जरूरी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी जो बेस है वो अच्छी हो जाएगी, बेस बिल्डिंग हो जाएगी आपकी, आपको इजीली समझ में आएगा कि जो हम यहाँ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे मैथ आपको इजीली समझ में आएंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मैं बेसिक से शुरू करूँगा, लेकिन एक क्लियरिटी आपके माइंड में रहेगी कि हाँ यार ये चीज़ पहले समझ में आ गई है, आगे समझने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं यार। अब इसमें क्या है कि इसमें डिफरेंस है टाइम और प्रिंसिपल के बीच में, ठीक है। अभी तो हम पता कर रहे थे प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, फिर हम देख रहे थे हम टाइम कैसे निकालेंगे, फिर हम देख रहे थे कि रेट परसेंट कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंस होगा टाइम और प्रिंसिपल के बीच में, कैसे डिफरेंस होगा। चलो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो वो बोल रहा है कि एन सम बिकम 2100 इन टू ईयर्स एंड 2250 इन फाइव ईयर्स, फाइंड द मनी एंड रेट, ठीक है। अब क्या बोलना चाह रहा है, वो कह रहा है कि कोई पैसा है, ठीक है, कोई सम है, सम मतलब होता है जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलके हो, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है, सम मतलब इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलके हो। तो क्या कुछ दो साल पहले है, ठीक है, एनी सब दो साल पहले है 2100, ठीक है, और वो पाँच साल बाद कितना हो गया 2250, ठीक है। तो जो मनी है कितना मनी था, मतलब स्टार्टिंग मनी था, स्टार्टिंग मनी था वो कितना है और जो रेट है वो कितना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपली आपने टू ईयर्स यहाँ पर लिखा, फाइव ईयर्स यहाँ लिखा, जितना वो कन्वर्ट होते हैं आपने आगे सामने लिख दिया, ठीक है। देखो एक चीज आपको याद रखनी है कि सिंपल इंटरेस्ट में हम ये मैथड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल ऐसी जो चीज़ें हैं चल रही हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में मैथड अलग हो जाएंगे, तभी आपको उससे समझना था कि आप जब मैं जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊँ, ठीक है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो देखोगे तो उसमें आप कन्फ्यूज नहीं होगे, ठीक है। कुछ वहाँ पर वेरिएशन है, वेरिएशन कैसे है क्या है वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट वीडियो में देखेंगे। मैं आपको अच्छे समझाऊंगा कि हाँ सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा था, लेकिन यहाँ पर बस इतना समझो कि इस जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पर ये टू से फाइव हो गया, ठीक है, तो इसमें बीच में गैप कितने का है, तीन का गैप है, ये 2100 से 2250 हो गया, तो गैप कितने का है 150 का है, ठीक है। तो यहाँ तीन, यहाँ 150 का, हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक साल का, ठीक है। तो निकाल देंगे एक साल का, तो वन इसको बराबर रखा, तीन साल में 150 है तो एक साल में कितना होगा, कट जाएगा ये 50 हो, 50 रुपीज़ हो गया, तो दो साल में 100 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमको पता है कि यार दो साल में कितना हुआ होगा, 100 रुपीज़ हुआ होगा, ठीक है, जो प्रिंसिपल होगा वो 100 रुपये होगा, तभी तो 2100 हो गया। तो हमने प्रिंसिपल से माइनस कर दिया 2100। अब जैसे हमने माइनस किया 2005, जैसे मैंने माइनस किया 100, तो कितना प्रिंसिपल आ गया 200, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो प्रिंसिपल था, सॉरी ये आपका 2000 होगा, मैंने 200 लिख दिया, इससे पता चला कि प्रिंसिपल कितना हमारे पास 2000 है, लेकिन हमको रेट नहीं पता चला, ठीक है। अब रेट फाइंड आउट करने के लिए हम 50 का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको 50 का हमने इस्तेमाल क्यों किया, बिकॉज वो हम एक जो रेट होता है ना वो पर ईयर के हिसाब से होता है, ठीक है, हमको पता चला ना पर ईयर के हिसाब से 50 रुपये रेट के हिसाब से चल रहा है। तो हमने क्या किया, जो रेट है उसको ऊपर लिखा 50 को, जितना प्रिंसिपल था उसको नीचे लिखा 100 से, हमने क्या कर दिया परसेंट निकालने के लिए हमने 100 से इंटू कर दिया, काटा फिटी हो कितना आ गया 2.5% पर ईयर, ठीक है। 50 को लिखा आपको समझ आ गया, क्योंकि 50 क्या है पर ईयर के हिसाब से जो इंटरेस्ट पड़ रहा है, और जो 2000 हमने क्यों लिखा भैया, ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट है, तो हमने इसको यहाँ पर 2000 रुपये लिखा, ठीक है। तो 50 अपॉन 2000 इंटू 100, 100 से इंटू क्यों क्यों क्या समझ में आपको, 100 से इंटू इसलिए किया गया ताकि हम उसको परसेंट में चेंज कर सकें। तो जैसे हमने 100 से इसको इंटू किया तो 2.5% पर ईयर आ गया, समझ में आया क्या क्या क्वेश्चन था ये। तो इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको डिफरेंस निकालना है। देखो आपने जो आपको वो तो दो ईयर्स दे देगा, ठीक है, कि एक पैसा कोई सम है वो सम नहीं बताएगा आपको, ठीक है, भाई कोई सम था वो इतने ईयर्स में इतना हो गया और इतने ईयर्स में इतना हो गया, तो उसका कितना जो सम कितना था, जो मतलब जो सॉरी वो कह जो प्रिंसिपल था, यहाँ पर जो मनी है ना, मनी इंडिकेट कर क्या कर रहा है, मनी इंडिकेट कर रहा है प्रिंसिपल को, याद रखना, जब वो बोलते हैं ना मनी और रेट बताओ, तो मनी को इंडिकेट कर रहा है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल के रूप में, ठीक है। तो मनी मतलब वो कह रहा है कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करो और रेट कितना है, रेट याद रखना हमेशा पर ईयर के हिसाब से निकाला जाता है, रेट हमेशा याद रखना पर ईयर के हिसाब से निकाला जाता है, दो साल का यहाँ तीन साल का रेट नहीं निकलता एक साथ, ठीक है, आप पर ईयर के हिसाब से निकालोगे रेट को, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने सिंपली क्या किया, आपने दो और तीन साल को आपने उनको मिक्स आपने लिखा, उनके बीच डिफरेंस फाइंड किया, तो पता चला कि डिफरेंस तीन साल का है, तीन साल की उसमें 150 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो एक साल की उसमें आपको 50 रुपये इंटरेस्ट मिलता है,
तो अब 2 साल भी उसमें निकालो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। आपने 2 साल भी उसमें निकाला, पता चला कि आपको 100 रुपये लगता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2100 से 100 रुपये माइनस किया, 2000 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया। इनिशियल जो परसेंट है, जो रेट परसेंट है, वो निकालने के लिए आपने क्या किया, 50/2000 रुपये किया, इंटू 100 किया, परसेंट आपका निकल गया 2.5%। आपको पहले के हिसाब से आपकी जो वैल्यू थी वो निकल गई, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, वो कह रहे हैं सर्टिन सम ऑफ मनी है, ठीक है। इसका जो अमाउंट कितनी है, 756 है, 2 साल में कुछ अमाउंट है हमको नहीं पता। देखो यहाँ अमाउंट जो इंडिकेट कर रहा है ना, वो इंडिकेट क्या कर रहा है, वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है प्रिंसिपल को। वैसे अमाउंट मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप समझ लो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, ठीक है। क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन बस इतना समझो, जब वो बोल रहा है ना सर्टिन सम ऑफ मनी अमाउंट, तो जो सर्टिन सम ऑफ मनी है ना, सम ऑफ मनी को आप समझो, ये प्रिंसिपल याद कर रहा है। सर्टिन सम ऑफ मनी को बात कर रहा हूँ, ये प्रिंसिपल याद कर रहा है। जो अमाउंट है ना, इसको आप मान लो कि ये इंटरेस्ट जो लग के जो हो गई है ना, उसकी याद कर रहा है। मतलब 756 की याद कर रहा है, 2 साल में 873, 3.5 साल में, ठीक है। कुछ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, आपको नहीं पता रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है, ठीक है। पर एनम की यहाँ बात कर रहा है वो, तो रेट पर एनम कितना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए ना आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब ये मत करना कि करने शुरू कर देना कि यार पिछली वीडियो में हमने प्रिंसिपल फाइंड किया था, तो इस वीडियो भी हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। बस उसने रेट पर ईयर की याद किया गई है, अगर उसको फाइंड करने के लिए हमको प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ेगा तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या आप रेट डायरेक्ट निकाल सकते हो बिना प्रिंसिपल फाइंड आउट करे, नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि यार आपको पहले जो इनिशियल अमाउंट है वो तो पता होनी चाहिए ना। तो आपने क्या किया, आपने बस यहाँ पर डिफरेंस निकाला। देखो यहाँ पर देखो कुछ लोग ये करेंगे कि यार इसको चेंज कर देंगे 3 साल को मंथ्स में, ऐसा कोई जरूरत नहीं है करने की। सिंपली क्या करो, इनकी जो डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना है 1/2 ईयर्स का, ठीक है। और यहाँ पर 117 का डिफरेंस आया। आपने क्या किया, आपको कुछ नहीं करना है, 2 × 2 + 1 = 3, 3/2 ईयर्स आ गया, बराबर कर दिया 117। काटा फिटी करके 1 ईयर्स कितना बराबर आ गया, 78 रुपये के। तो आपको पता चल गया कि यार 1 ईयर्स में 78 रुपये मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ 2 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया 1 ईयर में 78 होता है, ठीक है। तो 2 ईयर में कितना हो गया, 146 हो गया, ठीक है, सॉरी 156 हो गया, कैरी वन जाएगा। देखो 2 साल में कितना हो गया, 2 साल में आपको 156 हो गया। अब आपने क्या किया, जो आपकी जो 2 साल की बाद अमाउंट थी ना, उसमें से माइनस कर दिया आपने 156 को, तो कितना आ गया प्रिंसिपल आपका 600 आ गया। 78 एक साल का था, आपने एक साल के उसमें कितना निकाला, 78/600 × 100 कर दिया कि आपको जो पर ईयर के हिसाब से वो वैल्यू आ जाए, तो 13% एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मैं आपको फिर समझाता हूँ, हमने कुछ नहीं किया, हमने वैल्यू को बराबर रखा, हमने वैल्यू को डिफरेंस फाइंड आउट किया उनकी ईयर्स में, उनकी वैल्यूज़ में। हमको जो वैल्यूज़ निकल गया है, हमने एक साल की उसमें निकाला, एक साल निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने प्रिंसिपल से माइनस किया, 2 साल की उसमें जो वैल्यू दी गई थी माइनस करने के बाद हमको हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। प्रिंसिपल वैल्यू आने के बाद हमने क्या निकाला, जो पर रेट पर ईयर के हिसाब से मिल रहा था उसका अपॉन कर दिया हमने प्रिंसिपल, इंटू कर दिया 100। तो हमको पर एनम जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो मिल गया। समझ में आया आपको क्या क्या किस तरह से करना है, तो ईजी है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है, समझ में आया आपको। तो अब करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि एक सम ऑफ मनी है, इसके अमाउंट कितना है, 5200 है। कुछ सम ऑफ जो मनी है इसका अमाउंट है 5200 इन 5 ईयर्स, 5 सालों में, ठीक है, 5200 होता है, एंड 5680 इन 7 ईयर्स। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ सम ऑफ जो मनी है इसके अमाउंट है 5200 5 साल की उसमें, और 5680 7 साल की उसमें, एट सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा। कुछ नहीं करना है, जो हम करते हुए आए थे, ठीक है, हमने यहाँ पर डिफरेंस ऐड किया, यहाँ 2 साल आ गया 480 आ गया, 5 साल की गई है तो हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 5 ईयर से सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू किया हमने 5 से, देखो यहाँ पर 1 ईयर का तो हम पता चल गया, ये 1 ईयर में यार तो 240 होता है, ठीक है। तो अब हमको क्या क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है 5 ईयर्स के बारे में, तो हमने इंटू कर दिया से 5 से यहाँ पर भी, ठीक है, तो 1200 आ गया। अब 5200 को 1200 से माइनस करके कितना आ जाएगा, 4000 रुपये आ जाएगा। जैसे हमने माइनस किया, ठीक है, तो यहाँ कितनी वैल्यू आ गई, 4000 आ गई। हमको पता है कि यार पर ईयर के हिसाब से 240 रुपये इंटरेस्ट पड़ रहा है 4000 जो प्रिंसिपल पे, तो हमने क्या किया, 240/4000 × 100 कर दिया, 6% पर रेट के हिसाब से हमें, पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, हमको पता चल गई वैल्यू, ठीक है। तो कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। हर क्वेश्चन देखो ऐसी है, हर क्वेश्चन ऐसी है, आपने देखा सारे क्वेश्चन ऐसे हैं।
अब ये क्वेश्चन देखो देखो, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी बोल रहा है कि यार एक कुछ समय जो सम ऑफ जो मनी जो लैंड की गई थी सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट पे 2720 आफ्टर 2 ईयर्स एंड 1020 आफ्टर फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। तो वही डिफरेंस निकाला, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, सब चीज़ में एक जैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। आप ये देखोगे तो कोई स्पेशल चीज़ नहीं हो रही यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या क्या देखो, यहाँ 1 साल की उस पर निकाल लिया, ठीक है, फिर 2 साल पे निकाला और माइनस कर दिया 720 से 120, 600 रुपये आ गया। तो इसमें सम पूछा गया था, इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट पूछी गई थी 600 प्रिंसिपल अमाउंट है, बस इतना ही था। अगर वो रेट पूछता है तो रेट भी इजीली हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिंपली आप 600 अपॉन में 60 अपॉन में 600 करते हैं, 200 करते हैं, 200 2 0 कट, और ये आपको 10% रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने जो फैक्ट्स यहाँ पर लिखे हैं वो ये है कि 4 ईयर 6 मंथ को फ्रैक्शन में है। जब फॉर एग्जांपल उसने क्वेश्चन में दे दिया कि 4 मंथ सॉरी 4 ईयर 6 मंथ है, ठीक है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करो, तो कैसे कैसे करोगे आप? कुछ नहीं करना है आपको, जो 6 है ना, जो 6 मंथ है उसको अपॉन में 12 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर काटा फिट करोगे तो 1.2 आ जाएगा, तो 4 1/2 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया कि 3.5 ईयर्स है, तो इसका मतलब होता है कितना, 3 1/2 ईयर्स, ठीक है, कि मतलब 3 साल 6 महीने, ठीक है। तो याद रखना कि 3.5, देखो जब पॉइंट में चलती है ना वैल्यू, जब देखो मैं फिर से आप रिपीट करूँगा, जब पॉइंट में वैल्यू चलती है तो जो पीछे वाला वैल्यू है ना वो इंडिकेट ये नहीं कर रहा है कि मंथ है। मैं ये रिपीट करूँगा, जब पॉइंट वैल्यू चल रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि 3.5 जो 5 है वो मंथ है, वो सिर्फ एक दिखाने का तरीका है। जब उसको आप डिवाइड करोगे नीचे 12 से, ठीक है, नीचे इसको आप इंटू करोगे, देखो 1/12 से जब इंटू करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर, बस इतना समझ लिया यार कि 3.5 जो ईयर्स है ना उसको इंडिकेट कर रहा है 3 साल 6 महीने, ठीक है। ये मत समझ लेना कि 3.5 3 साल 5 महीने कर रहा है, ऐसा नहीं है यार ये, ठीक है। ये आपको चीज़ भाई समझने में आपको याद रखना है और थोड़ा समझ के रखनी है, ठीक है, क्योंकि जो ये वैल्यू चल रही है ना पीछे वाली, इसका इसका ये जो करेक्ट मेजरमेंट नहीं है, ठीक है, मंथ के हिसाब से नहीं है, 12 के हिसाब से नहीं चलता है, ये अपने हिसाब से चलता है, ठीक है, 10 के हिसाब से चल देता है। फॉर एग्जाम्पल उसको 10 से जब डिवाइड करोगे 5 को, ठीक है, तो 1/2 आर वैल्यू आ जाएगी, तो 3 1/2 ईयर्स काइंड ऑफ हो गया, ठीक है, ये एंड 3 साल 6 महीने आपको वैसे पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वैसे कुछ चेंज करना है, ठीक है, अगर देखो फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऐसे आ गई 3.5 आ गई है, ठीक है, तो चेंज करना बहुत ईजी है, बस इसको डिवाइड करो 10 से, ठीक है, 5 को पिछले वैल्यू उसको डिवाइड करो 10 से, और आपको वैल्यू मिल जाएगी, इसको इंक्लू कर दिया 1/10 से, कट फिट किया यहाँ पर 3 1/2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। तो वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना, ठीक है, और कमेंट करना कि कैसी लगी वीडियो, कहाँ पर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को क्लियर नहीं हुआ, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होना चाहिए या फिर दोबारा से बताना चाहिए, ठीक है। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू।